होता है। थर्ड नंबर में देखिए दिया है ए बी इक्वल टू में 11.7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू में 11.2 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू में 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर ए इक्वल टू में 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ ए दिया है और इधर बी डी दिया है, तो हमें ए डी चाहिए होगा। ए डी निकालने के लिए अगर आप ए बी में से आप इस बी डी को सब्ट्रैक्ट कर लो तो काम बन जाएगा। तो यह है 11.7 है ये, और बी डी है आपका 6.5 सेंटीमीटर। तो 11.7 सेंटीमीटर में से ये 6.5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा 5.2। ए डी कितना हो जाएगा? 5.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए, इधर आप ए डी लेते हैं और ए बी ले लेते हैं बाई में, यानी हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर बाई में 11.7 सेंटीमीटर। अच्छा, इसे 1.3 से काट देंगे तो आपका 9 टाइम्स में कट जाएगा, और इसे 1.3 से काटेंगे तो 4 टाइम्स में आ जाएगा, 4/9 आ गया। अच्छा, फिर उधर इधर लेते हैं ए ई और बाई में ए सी, ए ई है आपका 4.2 सेंटीमीटर और ए सी है 11.2 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसे काट देते हैं 1.4 से, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 8, तो ये 3/8 हो जाएगा। तो क्या ये अनुपात बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी बाई डी बी बराबर नहीं हो पा रहा ए ई बाई ए सी के, ए डी बाई ए बी बराबर नहीं हो पा रहा ए ई बाई ए सी के। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि डी ई समांतर नहीं होगा बी सी के, है ना, नहीं हो गया आंसर, समझ गए। चलिए अब